फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक प्रेगनेंसी एंड हेल्थ टिप्स। मैं इंदिरा आईवीएफ गई थी बहुत दिन पहले, तो उस टाइम आप लोगों को बोली थी वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे क्या बोला उस रिगार्डिंग एक वीडियो बनाने के लिए। सो सॉरी फ्रेंड, बहुत लेट हो गया है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। तो आज मैं वो वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये मेरा फाइल जो है इंदिरा आईवीएफ का, तो मैं बताऊंगी वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे क्या बोला। पहले तो बता देती हूँ कि वहाँ पे जाने का जो प्रोसेस कैसा होता है। जैसे कि आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बट वहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। अगर आप कल जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। डायरेक्ट जाके वहाँ पे आपको 1000 का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद आप थोड़ा वेट कर लेंगे, फिर आपका जब नंबर आएगा तो आपको बुला लेंगे कंसल्टेशन के लिए। जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने जैसे कि आपका जो भी हिस्ट्री रहता है पूछ लेते हैं, आप किस लिए आए हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो पूछने के बाद वो एक बेसिक टेस्ट करवाने बोलते हैं, उसमें बहुत सारा टेस्ट रहता है। अगर वो जो टेस्ट आप आउटसाइड में करते हैं देन आपका 12 से 13 हजार खर्चा हो ही जाएगा, अगर आप अच्छा सेंटर में करते हैं। अगर आप वहां पे लेकिन 5000 लेता है, उसमें बहुत सारा टेस्ट रहता है। मैं एक ओवरऑली बोल देती हूँ क्या क्या टेस्ट है। जैसे कैरियोटाइप टेस्ट है हस्बैंड वाइफ दोनों का, और हस्बैंड का सिमिंग एनालिस है, और भी बहुत सारा टेस्ट है जैसे HIV है, ब्लड ग्रुप जो टेस्ट है ऐसा कुछ है, और बाकी ओमेन्स का जो है TSH है, FSH है, MH है, प्रोलैक्टिन है, हीमोग्लोबिन ब्लड ग्रुप, शुगर टेस्ट है, और भी एक क्या पैप टेस्ट होता है, रवेला, IgG है, IgM है, ऐसे बहुत सारा टेस्ट है जो अगर आप बाहर में करते हैं आपको बहुत पैसा खर्चा होगा वहाँ पे, लेकिन 5000 में ये टेस्ट हो रहा है। अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं देन उन लोगों को भी आपका रिपोर्ट देख के एक आइडिया हो जाता है आपका एक्चुअल में क्या इश्यूज है, तो उस टाइम वो आपको बता देंगे आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। अब उस दिन टेस्ट करवाने के बाद 2-3 दिन में रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, देन आप फिर से जाके डॉक्टर से मिल के अब रिपोर्ट देखने के बाद वो आपको बता देंगे आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। जैसे कि मेरा ये जो टेस्ट सब हुआ था दोनों का रिपोर्ट नॉर्मल ही है, तो मुझे ये बोला गया अगर आप IVF करवाना चाहते हैं कर सकते हैं। IVF करने के लिए मेरे पास एक ही रीजन था, जो था ये कि मेरा जो एग्स का क्वालिटी है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, जिसके वजह से मेरा कंसीव तो हो रहा है बट मिसकैरेज हो रहा है, लगभग 3 बार मिसकैरेज हो चुका है। तो इसीलिए मुझे बोले अगर आप IVF के साथ जाना चाहेंगे तो एक ही रीजन है, इसीलिए आप चाहेंगे तो आपका एज भी कम है और आपका जो रिपोर्ट सब वो भी नॉर्मल है, देन आपका जो सक्सेस रेट है वो आपका केस में ज्यादा हो सकता है। नहीं तो अगर आप नॉर्मल भी ट्राई कर सकते हैं या फिर IUI भी कर सकते हैं। बट मेरा साथ और एक लेडी थी, उनका जो MH से 0.36 हो गया था, जिसके वजह से उनको स्ट्रिक्टली बोले कि आपके लिए IVF लास्ट है और आप जितना जल्दी हो सके करवा लीजिए। और उनका जो था सक्सेस रेट जो था वो भी इतना खास नहीं था, तो इसीलिए मुझे बोले आपका सब कुछ रिपोर्ट ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो IUI भी करवा सकते हैं या नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं। बट मैं इतना दिन से नॉर्मली तो हो नहीं रहा है, IUI में हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, देन फिर भी मेरा हस्बैंड और मैं दोनों ही फाइनल की कि एक बार IUI के साथ जाते हैं। अगर क्या होता है वो तो भगवान की मर्जी है, अगर उसमें सक्सेसफुल मिल जाता है और सफलता उसमें मिल जाता है देन ठीक है, नहीं तो फिर हम जनवरी या फरवरी को IVF के लिए ही जाएंगे। जैसे कि मेरा जो मेडिकल कंडीशन से इतना अच्छा नहीं है, मेरा 3 बार मिसकैरेज हो चुका है, मेरा IUI में कंसीव हो जा रहा है, फिर मिसकैरेज हो जाए 2-3 महीना, कभी बच्चा का हार्ट बीट नहीं आता है, कभी मतलब प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आता है देन सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी शो नहीं करता है, ऐसे ही मेरा 3-4 बार हुआ है। तो फिर मैं डॉक्टर से क्वेश्चन पूछी थी अगर जैसे कि एग का क्वालिटी खराब होता है क्या IVF में एग का क्वालिटी ठीक हो सकता है क्या। अगर IVF करते हैं मैं तो वही एग से ही करूंगी जो मेरा ही एग से, तो डॉक्टर ने वहां पे बोले कि आपको जो इंजेक्शंस दिया जाएगा वो जो इंजेक्शंस का दाम है 10,000, तो वही इंजेक्शन आपका एग का क्वालिटी ही ठीक कराएगा। तो अभी तक ऐसा कोई टेस्ट भी नहीं है जो एग्स का क्वालिटी के बारे में बता सके आपका एग्स का क्वालिटी खराब है।
तो इसलिए वो लोग IVF का जो साइकिल रहता है उसमें 10,000 वाला इंजेक्शन आपको 7, 8, 9, 10, ये आपका पर डिपेंड करता है। अगर आपका MS लेवल जो है वो बहुत लो है तो आपको बहुत इंजेक्शन लग सकता है। अगर आपका MS का लेवल ठीक है देन आपको 6-7 इंजेक्शन में हो जाएगा, 6-7 नहीं तो 8-9 इंजेक्शन में, किसी किसी को 10-12 इंजेक्शन भी लग सकता है। तो मैं बताऊंगी IVF का खर्चा कितना होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। इंदिरा IVF में IVF का खर्चा जो है वो कितना होता है। जो इंदिरा IVF गई थी वहां पे मेरा साथ क्या हुआ ये मैं सब बताती आप लोग को ये वीडियो में। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अगर मैं IUI मेरा ये साइकिल में होने वाला है यही मंथ, तो दुआ कीजिए मेरा IUI सक्सेसफुल हो जाए, नहीं तो फिर IVF के लिए जाऊंगी। और IVF जो होता है ये मेंटली फाइनेंशियली बहुत भारी होता है, जैसे कि आप लोगों को भी पता है IVF में बहुत पैसा खर्चा होता है। और पैसा जो खर्चा होता है मेंटली भी स्ट्रेस बहुत रहता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना, फिर मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।